अलवर शहर में जयपुर विद्युत श्रमिक की ग्रेड पर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर संघ कार्यालय में बैठक हुई। वहीं सरकार ने कर्मचारियों की मांग मान ली है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ की जिला शाखा अलवर की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को संघ कार्यालय में हुई। वहीं संघ के प्रदेश महामंत्री लाखन सिंह ने बताया कि बैठक में तकनीकी कर्मचारियों की ग्रेड बढ़ाने की मांग सरकार ने मान ली है। अब संघ तकनीकी कर्मचारियों के पद नाम बदलने की मांग कर रहा है। वहीं बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई है। बैठक में संघ के प्रदेश पदाधिकारी रामचरण उपाध्याय, जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा और महामंत्री मौरध्वज यादव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। रिटायर्ड जितने भी भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कर्मचारी हैं विद्युत निगम के, उनकी आज एक बैठक है जिसमें हम निर्णय लेंगे कि जंतर मंतर पर 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे लोग वहाँ पहुँचें। हमारी 34 सूत्री मांगे हैं। एक मांग तो ये है कि हमारे जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनके 10,000 रुपये मेडिकल के नाम से पहले ही काट लिए जाते हैं, और उसके बावजूद में मेडिकल रीएम्बर्समेंट के नाम पर बड़ी व्यवधान आता है, उनके टाइम पर भुगतान नहीं होते, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इस तरह से 14 सूत्रीय मांग पत्र हैं। एक हमारा जो है पेंशन पर खतरा आने की बात हो रही है, पेंशन के भुगतान पर खतरा होगा, उसको टालने के लिए हम अपने फंड को रिजर्व कराएँ और हर महीने टाइम पर जो है पेंशन मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम दिल्ली जंतर मंतर पर अपना धरना देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस संख्या में पहुँचेंगे। इस संबंध में आज हमारी बैठक है शाम को 2 बजे, और उसमें हम अपना ये निर्णय लेंगे।